हमें जाना है इस ज़ियारत पे, इस जगह का नाम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और हमें, मेरे पापा और उनके फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं गांधरबल सोनामर्ग उस साइड जा रहे हैं, मतलब घूमने के लिए। तो पापा और वो जा रहे थे, पापा ने मुझे कहा आपको भी आना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भी वैसे भी घर बैठ के बोर ही हो रहा था इतने दिनों से, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ। सो हम लेट हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं हम, तो आपसे आगे मिलते हैं। तो चलो। तो हाँ जी गाइज, अभी हम पहुँचे यहाँ पे वावरा में और पापा के कोई फ्रेंड है, मिरर में दिख रहा होगा वो, पापा उनके साथ बात कर रहे हैं। तो फिर आने दो पापा को, फिर हम निकलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से। जी गाइस, अभी हम आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे चाय पीने के लिए मेरा और लोग अंकल उन लोग सभी बैठे हैं यहाँ पे चाय पी, और मैं भी अपने लिए यहाँ पे चाय लेता हूँ। कौन सा जगह है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। अभी हम यहाँ पे पहुँचे और बाकी आपको अच्छे से दिखा नहीं पाए, बट आगे नेक्स्ट अच्छे से दिखाऊँगा इंशाल्लाह आपको। चलो हम पीते हैं यहाँ पे चाय और फिर निकलते हैं। सो गाइस, अभी जहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पे हमने चाय पी ली थी, और अभी आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बैकग्राउंड का व्यू देखिए, वो देखिए पहाड़। ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है और हमें यहाँ से जाना है आगे, पता नहीं सोनामर्ग, शायद वो इनको ही पता है कहीं पे जाना है, शायद सोनामर्ग या कहाँ पे जाएंगे। और व्यू देखिए गाइस, क्या है जबरदस्त व्यू है वो टॉप। जब भी हम यहाँ पे हैं और पापा उन लोग वहाँ पे हैं, हमें जाना है इस ज्यारत पे। इस जगह का नाम है वांगत लार बाबा नगरी बोलते हैं इनको, और जो ये ज्यारत है, जिनकी ज्यारत है, उनका नाम है मियां बशीर साहब, जो लास्ट ईयर जिनकी डेथ हो गई थी। तो चलो चलते हैं, इसे ऊपर जाना है, हम भी जाते हैं ऊपर, आपको ऊपर से यहाँ का व्यू दिखाते हैं और देखते हैं ऊपर। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ लाइफ में, पहली बार, चलो फिर भी देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस देखिए, कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से जाना, और वहाँ से घर से कुपाड़ा से निकलने तक मैंने मतलब क्लिप्स अच्छे से शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब मैं ड्राइव कर रहा था घर से कुपाड़ा तक। फिर उसके बाद मतलब वो लोग आए जल्दी जल्दी, मुँह कुछ समझ नहीं आया, तो मैं क्लिप शूट नहीं कर पाया उसके बाद, बट मैंने क्लिप शूट की कुछ। आई होप आपको अच्छा लगे, और मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ अभी, देखिए। देखिए गाइस, यहाँ से व्यू क्या ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे शूज निकाल के यहाँ से अंदर जाना है। आपको दिखाता हूँ तब तक यहाँ से थोड़ा सा, फिर हम भी अंदर जाएंगे, तब तक पापा उन लोग आएंगे। यहाँ से देखिए, वहाँ से भी मस्जिद है और यहाँ पे लोग होते बैठते हैं, और ये घर, और यहाँ से देखिए व्यू क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। ये देखिए बैकग्राउंड में इनके पीछे भी, और यहाँ से भी एकदम ज़बरदस्त व्यू। अभी पापा लोग आएंगे और हम लोग भी अंदर जाएंगे, देखेंगे अंदर से कैसा, आपको भी दिखाएंगे अंदर का व्यू। सो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आया हूँ मतलब पहली बार। सो मेरा कुछ प्लान ही नहीं था, सुबह उठा पापा ने कहा चलो हम वहाँ पे जाएंगे, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो अच्छा हुआ मुझे, मतलब बहुत दिनों से कंटेंट मिल ही नहीं रहा, मतलब क्या बनाऊँ आपके लिए, सो मिल गया कंटेंट, आई होप आपको अच्छा लगे। तो देखते हैं इसके बाद हम मतलब कहाँ पे जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे मैं आपको दिखाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो आने दो पापा हम लोगों को, उनका करते हैं वेट, फिर हम जाएंगे अंदर। चलो अभी हम लोग भी जाते हैं अंदर। ऐसे थोड़ा यहाँ पे बात नहीं करनी है,
अंदर से कुछ ऐसा व्यू है गाइस। चलो अभी हम बाहर जाते हैं, आपको बाहर से दिखाते हैं कुछ थोड़ा सा व्यू। तो वो लोग अंदर है, मैं आपको यहाँ से जाके थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ऊपर कितना ज़बरदस्त सज रहा है, और इस साइड से भी, और आपको भी दिखा दिया, ये अच्छी ज़्यारत है ना। और ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड बैक का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से भी थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से घर हैं थोड़े बहुत, और यहाँ से मतलब पीछे बैकग्राउंड का व्यू देखिए, पहाड़ी कितनी अच्छी जगह पर रहते हैं ये लोग। यहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं, चलो करते हैं वहाँ पे वेट उनका। आधे लोग वहाँ पे भी रहते हैं। जो ये घर है ना, ये मियाँ अल्ताफ साहब का घर है, जो उनके बेटे थे, मतलब मियाँ बशीर साहब के बेटे थे, वो ये उनका ही घर है। और ये है मस्जिद शरीफ पूरी, और ये पूरी ज्यारत है यहाँ से, और पापा वहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ से अंदर आपको यहाँ से दिखा दिया, सो इसके बारे में नहीं अभी पता चला मुझे, ये उनके बेटे का घर है। जी गाइस, अभी इस जगह को बाय बाय बोलने का समय आ चुका है, पापा उन लोग वहाँ पे पहुँच गए और मैं यहाँ पे बैठ गया था, मुझे पता नहीं वो नीचे से गए। और अभी मैं जाता हूँ वापस और इस जगह को बोलते हैं बाय। यहाँ से देखिए गाइस, कुछ ऐसी दिखती है ये ज़ियारत। हम इस वक्त ज़ियारत शरीफ पे हैं, दरबार आलिया लार शरीफ, हज़रत बाबा अबैदुल्ला लारवी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, मियां बशीर साहब, मियां नज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह। इस वक्त सजादा नशीन जनाब मियां अल्ताफ साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे हैं, और आज हम सुबह ही आए थे, माशाल्लाह ज़ियारत शरीफ पे हाज़िरी दी, और उसके बाद दुआ का अहतमाम हुआ, बुज़ुर्गों से मिले, और अब हमारा वापस जाने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो यहाँ बहुत सारे ज़ाहरीन आए हैं, हमने अभी लंच भी किया, ज़ियारत शरीफ का लंगर खाया माशाल्लाह बरकत के लिए। और यहाँ का पैगाम ही यही है कि मुसलमान को सिरातुल मुस्तकीम और उस्वाए हसना पे रहना चाहिए, और नमाज की पाबंदी लाजमी है। बस इस ज़ियारत शरीफ का पैगाम ही यही है कि सिरातुल मुस्तकीम पे मुसलमान को उस पूरे असूलों पर कारबंद रहना चाहिए। थैंक यू। सब ने कहा सबसे बेटर है और इन बातों पर अमल करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो लाइक करो। थैंक यू।